हेलो अबरी बहन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ और उठ के बना रही हूँ अपनी चाय जो कि मैं सुबह सुबह पीती हूँ। तो ये है, देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चाय बन चुकी है, अब पीऊँगी मैं चाय। और आप लोग कैसे हैं? सो के अभी कुछ लोग तो अभी उठ भी नहीं होंगे, कुछ लोग उठ गए होंगे। तो कोई बात नहीं, कोई लेट उठता है, कोई जल्दी उठता है। अधिकतर तो आजकल सब लोग लेट ही उठते हैं और मैं भी ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं भी 6 बजे ही उठती हूँ, इससे जल्दी नहीं उठती हूँ। हाँ, कोई काम एक्स्ट्रा होता है, कहीं जाना होता है या कोई और काम होता है तो उठ जाती हूँ। वैसे मैं भी 6 बजे ही उठती हूँ। और मेरी चाय रेडी हो चुकी है तो अब मैं पी लेती हूँ चाय। तो मेरी चाय जो है छन चुकी है, ये देखिए। तो अब हम पियेंगे चाय, फिर करते हैं आपसे बातें, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चाय तो पी चुकी, चाय हो गई हमारी फिनिश। और अब मैं जा रही हूँ छत पे अपने पौधों से मिलने, क्योंकि कल शाम को मैं नहीं जा पाई थी। तो इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ कि कहीं किसी को पानी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं डेली ही जाती हूँ सुबह सुबह मिलने पौधों से। डेली का मेरा नियम है कि पौधों से मुझे मिलने जाना है। तो मैं आ गई छत पे पौधों से मिलने, देखूंगी कैसे हुए हैं, किसी को पानी चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई सूख तो नहीं रहा है। तो मिलना है मुझे। किसी भी पौधे को आज पानी अभी नहीं चाहिए। तो अब चलते हैं नीचे और करेंगे सुबह वाली क्लीनिंग, यानी कि झाड़ू एंड पोंछा। और उसके बाद होगा मेरा नहाना, उसके बाद फिर बस वही किचन वाले काम, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना एंड फिर लंच बनाना। तो अभी चलते हैं नीचे, अब करते हैं झाड़ू शुरू। देखिए सुबह सुबह हमारे घर में धूप आ जाती है। देखिए ये देखिए, सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलते हैं वैसे ही हमारे घर में थोड़ी सी धूप आती है, बस 10 मिनट के लिए आती है। कमरे में भी आती है खिड़की से और लॉबी में भी आती है। ये देखिए ये आ रही है, ये खिड़की से आ रही है रूम के अंदर। तो ठीक है, अब करते हैं क्लीनिंग शुरू और आपसे मिलते हैं फिर बाद में। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैंने बाल इसलिए खोले हैं कि बाल भी धुलना है, तो इसमें थोड़ा सा एक होम रेमेडी बना के उसकी जो है करूँगी मसाज। उससे आपके बालों में अगर खुजली हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, आपके बाल अगर रूखे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, दो मुँह भी ठीक हो जाएंगे। और मतलब काफ़ी वो होम रेमेडी जो है आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों में साइन लाएगी, आपके बालों को स्वस्थ रखेगी, हेल्दी रखेगी। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती आपको कि वो होम रेमेडी क्या है, क्योंकि अगर ये सब आपको जानना है तो आपको मेरा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, रजनी ब्यूटी टिप्स के नाम से है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको स्किन केयर और हेयर केयर मतलब सभी जो है होम रेमेडी के थ्रू जो है सभी ब्यूटी टिप्स मिलेंगे वहाँ पे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें मैं ये नहीं बता सकती कि वो होम रेमेडी क्या है, उसमें मैं क्या क्या मिलाऊँगी, क्या चीज़ है, कैसे बनाऊँगी, ये सब शेयर नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये सब मैं दूसरे चैनल पे करती हूँ वहाँ पे। तो आप कर लीजिए उस चैनल को सब्सक्राइब अगर ये आप कुछ सब जानना है। और आप भी अपने स्किन को, अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, शाइनी रख सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं अपनी कर लूँ होम रेमेडी तैयार और लगा लूँ अपने बालों में। फिर उसकी 1 घंटे के बाद जो है मुझे नहाना है, बालों को धोना है।
मैंने अपने बालों में वो हेम रेमेडी जो है लगा ली है, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एक होम रेमेडी बनाने जा रही हूँ और अपने बालों में लगाने जा रही हूँ, तो वो मैं लगा चुकी हूँ। और क्या लगाया है वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वो आपको हमारे सेकंड चैनल पे देखने को मिलेगा, वहाँ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको स्किन केयर और हेयर केयर एंड और भी मतलब सभी तरह के ब्यूटी टिप्स आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सेकंड चैनल हमारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मैं लगा चुकी हूँ और मैं एक घंटे के बाद करूँगी वॉश, तो उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं बनाने जा रही हूँ सेम आलू की सब्जी, तो इसके लिए ये कढ़ाई में प्याज भुन रहा है और ये मसाला भी रेडी हो गया है। और ये है सेम जो कि हमने तोड़ के और धुल के रखी हुई है सेम एंड आलू, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ सेम आलू की सब्जी और रोटी। मैं नहा के आ गई और देखिए काफ़ी बाल जो है मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, धुल के आ गई। तो हमारा जो भी स्किन केयर और हेयर केयर का जो भी रहता है, हमारा जो भी होम रेमेडी वगैरह मैं यूज करती हूँ, और तो उसका मेरा चैनल जो है दूसरा है रजनी ब्यूटी टिप्स के नाम से, तो आप लोग सब्सक्राइब उसको कर सकते हैं और आप लोग भी होम रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं मैं जो बताती हूँ उसका, और उसको यूज़ करके आप लोग अपने बालों को अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। और मेरा जो है खाना भी रेडी हो गया है, अब मैं खाऊंगी खाना। ये मैंने मलाई चलाई है, अब उसको गर्म कर रही हूँ घी को, इससे बनेगा घी, सभी लोग जानते होंगे। और इस साइड में जब तक घी गर्म होगा तब तक इधर मैं धुलूंगी बर्तन, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं उनको धुलूंगी। और एक साइड में दूध गर्म करूंगी, दूध आ गया है ये देखिए, तो इसको छानूंगी दूध को और ये गर्म करूंगी और इधर तब तक बर्तन धुलूंगी। हाँ, जो कि चाय के हैं, अभी चाय पी थी उसके बर्तन हैं, और दोपहर में खाना खाया था उसके बर्तन हैं, तो उनको धुलूंगी। और तब तक इधर घी गर्म होता रहेगा, उसके बाद बनाऊंगी डिनर। तो धो लेते हैं बर्तन।
बर्तन धुल गए और इधर घी गरम हो रहा था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने गैस को ना स्लो फ्लेम पे कर दिया था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं बर्तन धोती रहूं और तब तक इधर घी निकल जाए, ना देख पाऊँ, ध्यान नहीं दे पाऊँ, तो इसलिए मैंने गैस जो है स्लो फ्लेम पे कर दी थी। तो अभी घी हमारा नहीं बना है और अब बस 5 मिनट में बन ही जाएगा, 2-4 मिनट में बनने वाला है। तो ये देखिए अब इसको मैं चला रही हूँ और बस ये बन जाए उसके बाद शाम के खाने का देखती हूँ क्या बनेगा सब्जी में। तो बस इसको पहले घी को बना लेती हूँ पूरा। मेरा घी गरम ये देखिए, और इस साइड में दूध भी गरम हो गया। और अब बनाऊंगी सब्जी और लगाऊंगी आटा, बनाऊंगी रोटी, शाम का खाना। तो अब आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।